चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 1 अक्टूबर 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुप डी एग्ज़ाम में सभी शिफ्ट के, वो हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको आने वाले जो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे, ताकि हम सभी शिफ्ट के इस बार हम सारे एनालिसिस करने वाले हैं तो आपको उसका लाभ मिल सके। ये एग्ज़ाम दिसंबर तक चलेगी तो इसमें सारे आपको एनालिसिस मिल जाएगा, जितने भी आपको क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन का कलेक्शन भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था ग्रुप डी एग्ज़ाम में वो है कि मनीष एक पंक्ति से बाएं और तीसरा है। मनीष जो है वो बाएं ओर से कितना बैठा है, थर्ड स्थान पर बैठा है। अगर टोटल लड़के उसमें 18 हैं तो आपको मनीष का दाएं से बताना है स्थान। तो दोस्तों, अगर आपने रीजनिंग का अभी तक हमारा सेशन नहीं देखा है तो आप रीजनिंग का सेशन भी हमारा देख लीजिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन भी हमने करवा रखे हैं और मैथ्स से रिलेटेड भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि इसका जो आंसर होगा वो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं 18 में से, टोटल में से अगर थर्ड स्थान माइनस कर देते तो हमारा आंसर आ जाएगा लेफ्ट से ही, बाएं से ही आ जाएगा 15वां, ठीक है। अगर ये बाएं से आया है, अगर इसमें हम एक जोड़ देते हैं तो हमारा स्थान जो हो जाएगा वो जो हमारी जगह है वो चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी दाएं से हो जाएगी, तो वो हो जाएगा हमारा 16 आंसर हो जाएगा इसका, एक जोड़ने का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो वो किया था 17 बार। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोकसभा का नेता कौन है, हु इज़ द लीडर ऑफ हाउस और इन लोकसभा। आपके ऑप्शन थे कि अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज या डी, नन ऑफ दिस। तो उसका आंसर हो जाएगा PM नरेंद्र मोदी, ये लीडर हैं हाउस ऑफ लोकसभा के। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट जो है उस पर 4 बार चढ़ाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है, तो वो है अंशु जमसेनपा, ये इनका नाम है। ये भारतीय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 4 बार चढ़ने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 18th अवार्ड आईफा अवार्ड 2017 सवाल पूछा गया है। 18th आईफा अवार्ड 2017, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में सारा कवर करा चुका हूँ कि इससे जो पहले हमारी 28 सितंबर 2018 वाली है वीडियो, उसके अंदर 18th आईफा अवार्ड 2017 और 19th एडिशन आईफा अवार्ड 2018 के सारे मैंने कवर करवा चुका था, उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। और इस वीडियो में भी आपको एक बार मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से कौन बताए गए हैं, आप उनको मिला है अवार्ड। तो बेस्ट फिल्म के लिए मिला है निर्जा को, बेस्ट फिल्म थी ये। बेस्ट एक्टर है शाहिद कपूर, उनको मिला है बेस्ट एक्टर के लिए। नेक्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस है वो आलिया भट्ट, बेस्ट एक्ट्रेस है ये। और बेस्ट डायरेक्टर मिला है अनिरुद्ध राय चौधरी को मिला है पिंक मूवी के लिए। और इन दोनों को मिला है उड़ता पंजाब के लिए, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर 19th का पूछ ले, 19th एडिशन आईफा का पूछ ले आपसे, 19th का नाइनटीन एडिशन आईफा अवार्ड, तो वो हो जाएगा हमारे पास बेस्ट फिल्म जो है वो तुम्हारी सुल्लू होगी। एंड बेस्ट एक्टर जो होंगे वो होंगे इरफान खान,
ये किस मूवी के लिए? हिंदी मीडियम के लिए है। हिंदी मीडियम मूवी के लिए मिला इनको। बेस्ट एक्ट्रेस जो थी वो श्रीदेवी थी मॉम मूवी के लिए। और नेक्स्ट है बेस्ट डायरेक्टर, तो उन्हें मिला साकेत चौधरी को। इनको मिला हिंदी मीडियम मूवी के लिए, तो उसे याद रखिएगा ठीक है। ये बल का एसआई मात्रा पूछा है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो वो है न्यूटन या एन। और द्रव्यमान पूछा है एसआई मात्रक का, एक द्रव्यमान का एसआई मात्रक तो होता है किलोग्राम। मास का एसआई मात्रक पूछा था किलोग्राम। और एक पूछा था कि अम्ल का गुण है, तो अम्ल का गुण क्या है कि नीले नीटमस को लाल में बदल देता है एसिड। एसिड का क्या होता है कि जो नीला लिटमस है को काई बदल देता है लाल में, ठीक है उसको याद रखिएगा। अगर आपको बेस बताना है तो लाल को नीले में। नेक्स्ट है कि वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष तो वो कौन है? सुमित्रा महाजन जी। और उपाध्यक्ष पूछे तो एम थाम्बीदुराई। वहाँ के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सांची का स्तूप कहाँ पर है? सांची का स्तूप पूछा कहाँ पे है, तो वो है मध्य प्रदेश में, रायसेन में, रायसेन के मध्य प्रदेश में, रायसेन मध्य प्रदेश में, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पूछा गया था आप, तो जम्मू कश्मीर के सीएम फेब 2018 पे कौन था? तो आपको कमेंट करके बताइए मुझे फटाफट इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि, चलिए मैं बता देता हूँ आपको इसका आंसर भी, जो जम्मू कश्मीर के सीएम थी ठीक है वो कौन थी? महबूबा मुफ्ती। ये कब तक थी? ये 20 जून 2018 तक थी। तो आपसे फैक्ट का पूछा था तो आपको आंसर देना था। और नेक्स्ट है कि सूचना, वर्तमान सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? सूचना और प्रसारण मंत्री तो वो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। पहले कौन थे? तो पहले थी स्मृति ईरानी, सूचना और प्रसारण मंत्री। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन तो कब शुरू किया था ये? तो ये होता 8 अगस्त को 1942, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट पूछा था कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर तो होता है 20। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बारिश होती है तो बेरोमीटर का स्तर का पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर बारिश होती है तो बेरोमीटर का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बेरोमीटर का जो स्तर होता है तो वो क्या होता है? गिर जाता है। बारिश होती है तो बेरोमीटर का स्तर क्या होता है? गिर जाता है वर्षा के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2018 फीफा
अंडर 17 बास्केटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता? तो वो जीता है यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 किसे मिला है? तो मिला है रमेश कुंतल को, रमेश कुंतल को मिला है। और एक ESPN प्लेयर रैंकिंग से सवाल पूछा गया था एक, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था परमाणु द्रव्यमान पर आधारित आवर्त सारणी किसने नहीं बनाई है? तो आवर्त द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास पर आधारित आवर्त सारणी किसने नहीं बनाई है? तो बनाई है, नहीं बनाई किसने बनाई है? हेनरी मोजेले ने नहीं बनाई है परमाणु द्रव्यमान पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बैंक ब्रांच का लेन देन समय क्या रहता है? बैंक ब्रांच जो होती है उनका लेन देन का समय क्या होता है? तो होता है 9 AM टू 4:30 AM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ODI में सबसे तेज या कम मैच में 100 विकेट लेने वाले बॉलर कौन है? ODI में सबसे तेज और कम मैच में 100 विकेट लेने वाले, 100 विकेट लेने वाले बॉलर कौन है? तो वो कौन है? राशिद खान। आपने इनका IPL में बहुत नाम सुना होगा, राशिद खान का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे तेज चमकने वाली अधातु कौन सी है? सबसे तेज चमकने वाली नॉन मेटल अधातु कौन सी है? तो वो है कार्बन। और अगर धातु में पूछ ले तो धातु में जो है वो है सिल्वर, सबसे तेज चमकती है। और एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर पुरस्कार पर 2017 पर एक सवाल था, और एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किसने की? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो नाम से क्लियर है PM उज्ज्वला योजना, तो प्रधानमंत्री ने ही शुरुआत करी। कब की? 1 मई 2016 को, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मानव भुखमरी या हंगर सूचकांक 2017 इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो जो मानव भुखमरी या सूचकांक या हंगर सूचकांक बोल सकते हैं आप, 2017 के इंडेक्स में भारत की रैंकिंग, इंडियास रैंकिंग। तो दोस्तों इसमें टोटल 119 देश थे, 119 देश थे, और भारत की जो रैंकिंग वो है 100 रैंकिंग है भारत की। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? तो 1946 में भारतीय संविधान में कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2017 बैडमिंटन मेल सिंगल विजेता कौन रहा? मेन में पुरुषों में सिंगल विजेता कौन रहा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2017 बैडमिंटन? तो कौन रहा है? श्रीकांत किदांबी, श्रीकांत किदांबी 2017 में रहे। अगर आपसे 2018 का पूछ ले तो वो है लू गोंगजू, ठीक है, LUGUANGZU। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 2018 सुल्तान एजियन
शाह कप विजेता टीम कौन रही? तो वो रही थी ऑस्ट्रेलिया, विजेता रही थी। और अगर उप विजेता पूछ लेते हैं तो वो रही थी इंग्लैंड। और होस्ट किसने करा था? मलेशिया ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पांडव वंश की राजधानी क्या थी? पांडव वंश की राजधानी, तो पांडव वंश की राजधानी कौन थी? इंद्रप्रस्थ। ये पांडव वंश की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हिमाचल प्रदेश की सेकंड राजधानी, सेकंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो वह है धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया जो कि 2017 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला है? तो 2017 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार? पद्म विभूषण। तो किसे मिला है वो? तो मिला है परमेश्वरम को। केरल के थे और पद्म विभूषण एक और मिला है, जो मिला है वेद प्रकाश नंदा को। वेद, ये पद्म विभूषण है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पद्म विभूषण। और पद्म भूषण जो मिला है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो मिला है वो परमेश्वरन को मिला है, केरल के हैं। और जो पद्म भूषण मिला है वो मिला है वेद प्रकाश नंदा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों में लिंग गुण सूत्र होते हैं तो कितने होते हैं? 44 + XY। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण तो वो होता है जल जो होता है उसका वाष्पीकरण, वाष्प में परिवर्तित होना, जल का वाष्प में परिवर्तित होना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अन्य किस तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मिलता है? तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रिक विन्यास अन्य किस तत्वों के इलेक्ट्रिक विन्यास से मिलता है? तो वो मिलता है क्षारीय धातु, क्षारीय धातु से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टॉप टेन ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड्स फॉर लैंडमार्क्स में पांचवें स्थान पर कौन सा पर्यटन स्थल है? पांचवें स्थान पर कौन सा पर्यटन स्थल है? मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। टॉप टेन में ट्रैवलर चॉइस अवार्ड्स फॉर लैंडमार्क्स में पांचवें स्थान पर कौन सा पर्यटन स्थल है? तो वो कौन सा स्थल है? पांचवा, ताजमहल दोस्तों, आगरा का ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था कि सही कथन को पहचाने से, कोई क्वेश्चन था कि छार्ज होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीले में कर देता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहले शिफ्ट में पूछ सके हैं, तो ये थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पूछा गया है कि सिपकिन का ब्रांड एम्बेसडर, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। सिक्किम राज्य का ब्रांड एम्बेसडर तो कौन है? ए आर रहमान सिंगर है, वो यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है। और एक झारखंड का राज्य पुष्प पूछा है,
राज्य पुष्प झारखंड का तो कौन सा है? पलाश। झारखंड की राजधानी पूछी गई थी, राजधानी कौन सी है? रांची। ठीक है, एक पूछा गया था कि उत्तराखंड के सीएम, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। आपने अगर मेरी सीएम और राज्यपाल की वीडियो नहीं देखी तब तक देख लीजिएगा जाके। आपको अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, सारे अपडेट है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिल्म फेयर अवार्ड से पूछा गया, 63 फिल्म फेयर अवार्ड से रिलेटेड है। तो बेस्ट फिल्म का मिला है हिंदी मीडियम को, बेस्ट एक्टर है इरफान खान, बेस्ट एक्ट्रेस है, बेस्ट एक्टर इरफान खान है, बेस्ट एक्ट्रेस है विद्या बालन, और तुम्हारी सुल्लू पिक्चर्स है और इरफान खान थे जो हिंदी मीडियम पिक्चर्स है, और बेस्ट डायरेक्टर जो हैं वो हैं अश्विनी अय्यर तिवारी। अश्विनी अय्यर तिवारी जो हैं वो बरेली की बर्फी से हैं, बरेली की बर्फी मूवी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2017 से भी रिलेटेड पूछा गया है, 62 फिल्म फेयर अवार्ड 2017। तो बेस्ट फिल्म जो थी वो थी दंगल। ठीक है, बेस्ट एक्टर जो थे वो थे आमिर खान, दंगल मूवी से ही थे। बेस्ट एक्ट्रेस जो थी वो थी आलिया भट्ट, उड़ता पंजाब से, और बेस्ट जो डायरेक्टर थे वो थे नीतीश तिवारी, दंगल मूवी से। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का मात्रक पूछा था, शक्ति की यूनिट पूछी थी तो वो थी वाट। ठीक है, याद रखिएगा, पावर का ऐसा यूनिट क्या है? वाट। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचलन कब किया? अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी का प्रचलन तो कहता है 1830 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन तो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में करके, कमेंट करके क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन है? लोधी वंश के संस्थापक तो कौन है? वो है बहलुल खान, बहलुल खान लोधी। ये दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश थे। ठीक है, बहलुल खान लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा और पेरामीशियम का पुनरुत्पादन रिप्रोड्यूस यानी कैसे होता है? अमीबा और पेरामीशियम का रिप्रोड्यूशन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन तो होता है बाइनरी फिजन द्वारा। ये क्वेश्चन था कि बाइनरी फिजन द्वारा। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, अमीबा और पेरामीशियम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ठीक है, एक क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था ये। एक तो एलईडी का फुल फॉर्म पूछा गया, तो सबको आता होगा एलईडी का फुल फॉर्म, जिसको नहीं आते हैं बता देता हूँ। लाइट, जिसका साइंस में ही रहा होगा उसको शायद पता होगा या पता भी होगा, इजी है। लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। और लेजर का पूछ लेगा भी आपसे, लेजर देके और आपसे पूछ लेगा एस का मतलब क्या बताइए, आर का मतलब क्या बताइए। तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। और एक क्वेश्चन था कि उजाला योजना जो थी, उजाला योजना, उसमें उजाला का फुल फॉर्म पूछ लिया था आपसे, उजाला का फुल फॉर्म तो था उन्नत, मैं बताता हूँ एक बार लिख के, उन्नत
ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी एंड अप्लायंसेस फॉर ऑल। तो इससे एलईडी का फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, लाइट इमिटिंग डायोड, पहले ही बता चुका हूँ मैं इससे पहले। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड्स एंड एप्लीकेशन अप्लायंसेस फॉर ऑल, ये इसका फुल फॉर्म है। प्रेशर का ऐसा ही मतलब पूछा गया था, प्रेशर का ऐसा ही मतलब क्या होता है, पास्कल होता है। और एक डैमेज घड़ी पर, खराब घड़ी पर एक सवाल था। ठीक है दोस्तों, एक पूछा था कि समान ऐसा यूनिट वाली, जिस समान सेम ऐसा यूनिट वाली, ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है 19 या 18 सितंबर को, समान ऐसा यूनिट वाली भौतिकी राशियां। तो कौन सी, कार्य और ऊर्जा समान है, और एक दूरी और विस्थापन। ठीक है, ये इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धातु सोना और एल्यूमिनियम का वेन आरेख का डायग्राम था, क्या होगा वेन आरेख, ऐसा कुछ पूछा गया था कि धातु सोना और एल्यूमिनियम पर। तो धातु के अंदर भी सोना ही आता है और एल्यूमिनियम भी आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि किस उत्तक की कोशिका परिपक्व अवस्था में मृत हो जाती है, किस उत्तक की कोशिका परिपक्व अवस्था में मृत हो जाती है, तो वो है स्लेरेशिमा, इसका आंसर है। 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप में विनर टीम कौन रही है, फीमेल विश्व कप विनर टीम रही है इंग्लैंड, और उप विजेता कौन रही है, भारत। दो 17 फीमेल विश्व कप में विनर टीम। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गतिज ऊर्जा पर एक आंकिक प्रश्न था, काइनेटिक एनर्जी और वी का मान दिया था और एम फाइंड करना था, और एक फोर्स रिलेटेड मास इनटू एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें भी आपको आंकिक प्रश्न था, न्यूमेरिकल था। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू, आपने हमारी वीडियो देखी, और अगर आपको और वीडियो देखनी है इसी टाइप की, और टॉपिक वाइज भी हम आप क्लियर करेंगे आपको डेटा, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है, इस कारण ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं होने के कारण जो वीडियो में मेहनत लगती है, वो मेहनत अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो अच्छे से मेहनत और करेंगे। आप भी हमारा साथ दीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और देखते रहिए हमारी वीडियोस। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में, हमें कमेंट सेशन में बताइए। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक्स।